श्रमिक नगर छावनी स्थित तालाब में तालाब पर करने की स्पर्धा कर रहे दोस्तों में से एक की गुरुवार शाम को तालाब में डूब जाने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची जामुल थाना पुलिस भी पहुंची, वहीं एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर युवक के शव को बाहर निकाला। गुरुवार की शाम को श्रमिक नगर छावनी स्थित छावनी तालाब में कुछ युवक पहुंचे हुए थे, जिनके मध्य तालाब को एक किनारे से दूसरे किनारे पार करने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। इस दौरान बीच तालाब में पहुंचने के बाद एक युवक आशीष प्रसाद उर्फ गजनी निवासी श्रमिक नगर की सांस फूल जाने पर वह तालाब में डूब गया। सूचना मिलते ही जामुल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जिला अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा को घटना की सूचना दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर छावनी तालाब में डूबे युवक के शव को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला। जामुल थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है। इस पूरी घटना की जानकारी जामुल थाना प्रभारी याकूब मेमन ने दी। कल शाम को श्रमिक नगर जामुल का आशीष नाम का एक लड़का है, 17 साल का, अपने दोस्तों के साथ में छावनी तालाब नहाने गया था। जो तालाब में नहाते वक्त डूब जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो तत्काल पुलिस पार्टी मौके पर पहुँच के लोकल गोताखोर और एसडीएफ टीम को बुलाया गया, उनकी मदद से निकाला गया। तो और डॉक्टर सुपेला हॉस्पिटल में चेक कराया गया, तो उसे डॉक्टर ने भी घुस कर दिया है। मर्ग कायम करके पीएम अचानक की जा रही है। बहरहाल पुलिस द्वारा युवक के शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।